स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल ईवी इलेक्ट्रिक वेहिकल इलेक्ट्रिक वेहिकल इज कमिंग अपला एलॉन मस्क यह सारी चीजें सारे टर्म्स तो आपने सुने ही है लेकिन ईवी को किल करने का मार्केट ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है और बहुत जल्द यानी अगले कुछ सालों में शायद ये ईवीज को टेक ओवर कर ले लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर में सर और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आई क्यू आई एस पर क्या ईवी का मार्केट किल होने वाला है या होने की संभावना है यह जानेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्ट व्हीकल या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्ट टेक्नोलॉजी क्या चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का ये जानेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं ये जितनी पीडीएफ्स मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए ये उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष आयुषी अकेडमी पे और आप मुझे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टा और ट्विटर पे बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट पाने के लिए तो आइए देखते हैं जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो क्या चीज है हाइड्रोजन फ्यूल कार्स हाइड्रोजन आप समझते हैं वॉटर का कंपाउंड जो बनता है दैट इज एच टू ओ एच टू ओ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक उससे बनता है वॉटर तो उसी में जो हाइड्रोजन का कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना पड़ता है हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार्स को बनाने के लिए आर ऑल्सो नोन एस फ्यूल सेल वेहीक फ्यूल सेल यानी कि सेल जो कि फ्यूल की तरह काम करता है इसमें फ्यूल पेट्रोल या डीजल गैसोलीन जैसे बोलते हैं वो नहीं डलती बिजली जिसकी बात हो रही है हाइड्रोजन एक्ट बिजली हाइड्रोजन बिजली की तरह काम करता है जहां पर आप उसे फ्यूल करते हो और वो व्हीकल गाड़ी तेजी से भागती है सो दीज आर बींग फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ये जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का जो है फ्यूचर माना जाता है एंड दिस इज समथिंग

ये देखिएगा ये बहुत अच्छा डायग्राम है तो ये है हाइड्रोजन टैंक जिसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर्ड है तो यहां से क्या होता है फ्यूल सेल में हाइड्रोजन आता है यह हाइड्रोजन मिक्स होता है एयर ऑक्सीजन से जिससे इलेक्ट्रिक मोटर रन होती है घूमती है तो इससे टायर चलते हैं दिस इज हाउ द टायर्स फंक्शन और ये चारों टायर्स जो है इसी तरीके से फंक्शन करते हैं मतलब ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होती है ये आपको समझाते हैं तो होता क्या है हाइड्रोजन टैंक जो मैंने आपको यहां पे दिखाया दिस हाइड्रोजन टैंक इससे जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आता है तो वो ब्रेक होता है सो हाउ डज इट वर्क किस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम करती है हाइड्रोजन पास होती है फ्यूल सेल में अलोंग विद तो वो फ्यूल सेल में जाती है एयर के साथ वहां पर जाके फ्यूल सेल में वो टूटती है ब्रेक होती है हाइड्रोजन स्प्लिट इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में वो डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिससे बनती है बिजली सो व्हेन बी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बनता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक मोटर में जो इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाता है ये इलेक्ट्रिक मोटर उसकी वजह से घूमती है पावर होती है और जो प्रोटॉन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर वाटर वेपर बनाता है हीट बनाता है और ये इवेपोरेट हो जाता है चला जाता है दिस इज हाउ इट नेटवर्क सो इलेक्ट्रॉन आर स्पेसिफिकली द स्टडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिक मोटर दैट ड्राइव द वहीकल जो इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करती है टिपिकली स्पीकिंग इलेक्ट्रॉन क्या है दे कैन चार्ज अ कैरियर दे आर चार्ज कैरियर बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन कैरीज इज ए नेार्ज और इस नेगेटिव चार्ज से बनती है बिजली सो यू कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी यू यू कैन इफ कैन फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड फोर्स इट टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी उससे बिजली बन सकती है दूसरी तरफ आता है प्रोटोन वैल द फ्यूल्स एन इफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी द प्रोटोन फ्रॉम दाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस वॉटर और यह चीज खत्म हो जाती है ओनली एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट जो है जिससे हवा बाहर निकलती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वहीकल से प्रोड्यूस वॉटर वेपर तो यह वॉटर वेपर बनता है एंड इज कंसिडर टू बी द काइंड ऑफ फ्यूचर वेयर यू विल बी यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल टू फ्यूल योर वहीकल तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग गैसलिन और इवन इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि प्योरली प्योरली कार्बन फ्री मानी जाती है यानी कि इसके जो नेट जीरो इमिशन पे कंट्रीब्यूशन होगा वो ना के बराबर होगा तो वही टेक्नोलॉजी है एयर ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन के साथ मिक्स हुई वाटर एंड हीट बाहर निकले और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उससे आपने मोटर को मोटर को जो है आपने फ्यूल करा सो फ्यूलिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेहीकल सिमिलर टू गैसोलिन वेहीकल्स बिल्कुल उसकी तरह है बस एक ही फर्क है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल को आपको कुछ टाइम के लिए चार्ज करना पड़ता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जिंग चार्जिंग पॉइंट्स पॉइंट्स पे सो यू हैव टू चार्ज देम ऑन सच इंफ्रास्ट्रक्चरली जहां से हाइड्रोजन टैंक भी तो भरना पड़ेगा ना हाइड्रोजन टैंक कैसे भरेगा यू नीड हाइड्रोजन फॉर दिस तो इफ यू नीड हाइड्रोजन टैंक इसको आपको फिल करना पड़ेगा तो so ये चीज गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स की तरह ही मानी जाती है क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है ऐसे आप जो पेट्रोल पंप पे लोग होते हैं और पेट्रोल भरते हैं गाड़ियों में या स्कूटर में या टू व्हीलर में उसी तरीके से यहां पर हाइड्रोजन टैंक में हाइड्रोजन भरी जाएगी इसमें चंद मिनट लगेंगे शायद पेट्रोल अगर आपका दो तीन मिनट में भरा जाता है ये छे साठ मिनट में भरा जाएगा सिर्फ इतना फर्क है बाकी सारी चीजें फंक्शनिंग जो है इसकी बिल्कुल सेम है तो अब हम आते हैं यही फायदे समझने के लिए कि हाइड्रोजन व्हीकल्स की एडवांटेजेस क्या हैं और अगर इसके एडवांटेजेस है क्या वो ईवी से ज्यादा है या वो ईवी से कम है ये जानिएगा तो जैसा मैंने आपको बताया सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको चार्ज करना बेहद आसान और टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग है इट इज नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग इनफैक्ट वो टाइम एफिशियंट है एक सिंगल चार्ज में वो हंड्रेड ऑफ किलोमीटर गाड़ी चल सकती है

तो अगर आपको यहां से जयपुर जाना है जहां पे जाने में चार घंटे लगते हैं अगर आप ईवी से जाओगे तो आपको साढ़े पांच से छह घंटे लग सकते हैं हाई एफिशिएंसी एफिशिएंसी ज्यादा है, है हाइड्रोजन की और एक्सटेंडेड रेंज जो कि हमने देखा तीन मील है कंपेयर टू बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ये डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के एडवांटेजेस है सो so, ये चीजें हैं जो कि फायदे हैं और हाइड्रोजन फ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो भी इस चीज में हेल्प करता है सो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल कैन बी डन थ्रू वेरियस कई तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करा जाता है अच्छा जी अब हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करना है आप एक तरफ तो बोलो कि भारत को या दुनिया को ईवी की जरूरत है मान लिया लेकिन बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तो कम से कम आप पॉसिल फ्यूल बर्न करते हो कोयला जलाते हो तो बिजली बनती है वही बिजली गाड़ी में भरते हो और गाड़ी चलाते हो तो टेस्ला हो गई नेक्सॉन हो गई ये सब कैसे चलती है ऐसे चलती है लेकिन हाइड्रोजन पावर फ्यूल व्हीकल जो है ये प्योरली कार्बन नेट कार्बन इसका फुटप्रिंट जीरो है इट हैज जीरो कार्बन फुटप्रिंट हाउ क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल जो बनाया जाता है ये फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाया जाता ये चीज रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाई जा सकती है देखिए तो यही सोर्सेज की बात हो रही है कि कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिस ऑफ वाटर अंदर रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस को रिफॉर्म करो या वाटर का इलेक्ट्रॉनिस करो या डायवर्सिटी इन प्रोडक्शन मेथड मीनस दैट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ वराइटी ऑफ सोर्सेज कैसे सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर विंड पावर इन चीजों से बनाया जा सकता है तो भाई अगर आपका बनाने का सोर्स ही रिन्यूएबल है तो आपने कार्बन एमिशन करा ही नहीं और यही चीज है इट विल सेल कार्स इट विल ट्रूली ऑफर जीरो कार्बन एमिशन ऑल्टरनेटिव टू गैसोन पावर्ड कार्स हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबली कार्बन फुटप्रिंट इस चीज का ग्लोबली कम होगा अगर आप इस चीज का यूज जो है वो करते हो तो ये एडवांटेजेस है काफी बड़े फायदे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज करने के तो जहां हमने फायदे डिस्कस करे हैं वहां पे कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं वहां पे कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है कॉस्ट की ठीक है और जो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है चार्जिंग की वो सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है जहां जहां पर आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल बहुत ज्यादा है देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या हाइड्रोजन व्हीकल हो या कोई भी हो यहां पर आपको चार्ज करने के लिए रियल एस्टेट चाहिए आपको पहले उतनी जमीन चाहिए उसके बाद चार्जिंग स्पॉट चाहिए जो कि आपको मेंटेन करने पड़ते हैं जैसे पेट्रोल पंप भी रियल एस्टेट है लेकिन पेट्रोल पंप तो ऑफिशियल होते हैं सरकार बांटती है टेंडर निकलता है दिया जाता है तो उस तरीके से इंडियन ऑयल हो गया एचपी हो गया भारत पेट्रोलियम हो गया तो ये सब पेट्रोल पंप बना के बैठे हैं उसी तरीके से आपको रियल एस्टेट चाहिए आपको उतनी ही बड़ी लैंड चाहिए होगी इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल चार्जिंग पोर्ट्स बनाने के लिए अब ये कौन करेगा ये कौन करेगा क्या ये क्योंकि वो इंडियन ऑयल है वो करता है भारत पेट्रोलियम में वो करता है यहां पर अगर टेस्ला प्रोवाइड कर रही है तो टेस्ला को रियल एस्टेट प्रोवाइड करना पड़ेगा अब टेस्ला गाड़ी बनाए गाड़ी बेचे या रियल एस्टेट अक्वायर करे और पेट्रोल पम्प या चार्जिंग पंप भी बनाए तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स आर यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स बहुत बड़े होते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स इज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हाइड्रोजन फ्यूल ये है ये ईवी में भी है उसमें थोड़ा कम है इसमें ज्यादा है There are very few तो अगर मेरी गाड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल डालने की सुविधा नहीं है तो मैं क्यों खरीदूँ चाहे उसके कितने भी फायदे हो मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई तो क्या होगा अवेलेबल विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेहीकल ओनर्स टू चार्ज और रिफ्यूल्स ये सबसे बड़ा डिसेज है दूसरा महंगाई कॉस्ट कॉस्ट बहुत महसिद है तो वॉटर की बात करें एच और मीथेन की बात करें सी हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो इंडिविजुअली दुनिया में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता यह करता है एज अ कॉम्बिनेशन एच टू ओ वाटर तो अगर इसमें से आपको हाइड्रोजन के दो कंपाउंड चाहिए तो आपको ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा उसकी टेक्नोलॉजी आपको मास स्केल पे लगाने के लिए बहुत मैसिव बजट एलोकेट करना पड़ेगा सो इट इज अबंडेंट ऑन अर्थ बहुत है लेकिन इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड एज अ पार्ट ऑफ अनदर कंपाउंड एच टू ओ सी एच फोर हाइड्रोजन अकेले नहीं मिलता इड्रोजन और प्योर हाइड्रोजन को यूज करके प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके लिए बहुत बिजली चाहिए तो वो चीज करने के लिए आपको और वो चीज फॉसिल फ्यूल से होगी तो एक तरीके से फॉसिल फ्यूल अगर आप जला, जला रहे हो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के या सेपरेट करने के लिए तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी और उसके कार्बन एमिशन भी होंगे सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज न्यू एंड मटीरियल यूज प्लेटिनम आर एक्सपेंसिव ये एक्सपेंसिव है सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल आर करेंटली मच मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स तो जो गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स है उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा कई ज्यादा महंगा पड़ेगा एंड बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा तो so, ये चीज है ये डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से इस चीज को पूरी तरीके से अप्लाई करना काफी मुश्किल है इट रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉस्ट तो इतने चैलेंजेस इतने नेगेटिव्स होने के बावजूद डिस्पाइट द चैलेंजेस मेनी लीडिंग ऑटोमेकर्स आर इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो है, जानना चाहेंगे आप कि कौन कौन से ब्रांड्स ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा है क्या चाहते हैं वॉट डू दे वॉन्ट सो गवर्मेंट अराउंड वर्ल्ड आर ऑफरिंग इंसेंटिव इस चीज में इन्वेस्ट करिए हम आपको जैसे टैक्स एग्जेपन होता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है ये सब आपको देंगे ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स अडॉप्ट हो पाए तो देखिए जरा कौन कौन से ब्रांड्स काम कर रहे हैं दुनिया के जाने माने ब्रांड्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं यह in तो, तो चीज है जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने किया है इसके सिवा सरकार ने क्या किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ एक मुहिम उठाई है एक प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम है देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया के तहत भारत सरकार क्या करना चाहती है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट तक करना चाहती है इसके तहत वो ये चाहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन शुड बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू फ्यूल तो देखिए पे तकरीबन 20,000 करोड़ का बजट एलोकेटेड है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस तरफ एम करता है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर यूजिंग प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन को 2047 2070. ये तो जी का प्रोग्राम है मोदी जी ने इस चीज को स्पेसिफिकली कमेंट करा है कि 2070 तक भारत नेट जीरो पहुंचेगा उसको अचीव करने के लिए दो तक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मतलब दूसरे देशों से एनर्जी इंपोर्ट करने की तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये एम है तो इसी मिशन के साथ चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए जैसे रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फोसल फ्यूल क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आप इंपोर्ट नहीं करोगे ऑयल डीजल एंड फीड स्टॉक इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग केपेबिलिटीज ही बनाओगे सब कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं करोगे अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैसा चाहिए तो ये एफ के रूप में आएगा इससे अगर इन्वेस्टमेंट आएगा और ये सब बनेगी चीजें तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा ये ये तो तो सीधी मतलब एक एक तो एक के के बाद बाद नेचुरल चीज है होता जाएगा एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आर एंड डी प्रोजेक्ट सपोर्ट होंगे सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड हैपन इफ वी अडॉप्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अडॉप्ट करते हैं सो एटलीस्ट फाइव एम एम टी ऑफ जीएचल प्रोडक्शन सिक्सटी टू हंड्रेड गीगाइजर कैपेसिटी एक सौ पच्चीस गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी कैपैसिटी फॉर ग्रीन हाउस जनरेशन एनोसिएटेड ट्रांसमिशन वर्क एक लाख करोड़ की इम्पोर्ट से होने की संभावना है प्रोवाइडेड हम पहले इतनी मेहनत करें वी शो वी है समझिएगा ध्यान से दिस इज समिंग विच इज यूजली इम्पोर्टेंट तो हाइड्रोजन भी कई लेवल्स में जो है वो रिफाइन होता है जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन सो बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन मेथड्स डिपेंड करता है कि किस तरह का हाइड्रोजन है तो भारत सरकार क्या चाहती है ग्रीन हाइड्रोजन सो ग्रीन का मतलब होता है दैट इसका जो कार्बन इंपैक्ट है वो बहुत कम है ग्रे में थोड़ा ज्यादा होगा जैसे कि इट इज प्रोड्यूस्ड वाइ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन इससे होता है तो इससे क्या हो रहा है मतलब इससे कार्बन एमिशन हो रहे हैं

और इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है सो डू वी कंक्लूड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन द नेशन स्टेजेस अभी अभी बहुत अर्ली स्टेज है इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा टाइम भी लगाना पड़ेगा लेकिन जहां यहां पे कामयाबी दिखी वी कैन डेफिनेटली गो अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ हैविंग डेवलपमेंट विच कैन बी कॉल्ड सस्टेनेबल हम पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल अलग होगा उससे ऊपर होगा क्योंकि ट्रेडिशनल हमें भी यूएस और यूरोप की तरह ग्रीन पावर्ड हाइड्रोजन में इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एच जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स है पोटेंशियल टू बी अ गेम चेंजर इन वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इस चीज को ध्यान रखें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा दैट वुड बी ऑल थैंक यू सो मच इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो करते रहें और इन सारे पीडीएफ्स को वहीं से डाउनलोड करें बाय एवरी वन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल